नमस्कार दोस्तों, अबाउट कोल्ड स्टोरेज इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसी भी कंप्रेसर का अगर डिलीवरी डिस्चार्ज वाल्व लीक कर जाए तो आप सोच नहीं सकते दोस्तों कि कंप्रेसर में कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दोस्तों, कोई भी कंप्रेसर हो जिसका डिलीवरी डिस्चार्ज वाल्व यानी उसे आउटलेट वाल्व भी बोलते हैं, अगर वो लीक कर जाए तो कई सारे प्रॉब्लम्स कंप्रेसर में हो सकते हैं, कई सारे दिक्कत हो सकते हैं। तो अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, डिलीवरी डिस्चार्ज वाल्व कंप्रेसर के हेड के अंदर होता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये खराब हो जाता है तो कंप्रेसर में कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स इसके चलते हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, चलते हैं, आपको बताता हूं कि इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहां देख सकते हैं कि मेरे पास कई पुराने डिलीवरी वाल्व पड़े हुए हैं। तो कंप्रेसर जो है गैस को इधर से पुश करता है पिस्टन के द्वारा, और जो गैस है इधर से निकलता है और फिर से वापस पिस्टन के ऊपर नहीं जा पाता, ये यहीं पर रोक देता है। तो ये एक तरह का नॉन इंटरन वाल्व होता है, एक तरफ से गैस से तो जाता है, दूसरी तरफ से वापस नहीं आ पाता। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि इसके अंदर बहुत सारे वाल्व रिंग लगे हुए हैं। तो अगर इसके अंदर कोई कचरा आ जाए तो लीक करने लगता है, या वाल्व रिंग जो है इसका सीट घिस जाए तो भी लीक करने लगता है, और नहीं तो कभी कभी होता है कि इसका जो वाल्व रिंग है ये टूट जाता है, उसके बाद से लीक करने लगता है। तो अगर इसका जो वाल्व रिंग है ये टूट जाए तो कंप्रेसर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स इसके टूटने से या लीक करने से कंप्रेसर में आते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डिलीवरी वाल्व लीक होने के कारण कंप्रेसर में आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि अगर डिलीवरी वाल्व लीक होगा तो जिस सिलेंडर के ऊपर डिलीवरी वाल्व लीक होगा वो सिलेंडर गर्म होने लगता है, बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है, और यहाँ तक कि इस पर हाथ भी आप नहीं रख सकते, इतना गर्म होने लगता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आपको देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि अगर डिलीवरी वाल्व लीक है तो आपके जो कंप्रेसर है उसके वर्किंग कैपेसिटी में भी कमी आने लगता है, यानी इसके काम करने की जो क्षमता है उसमें कमी आने लगता है, कमी आ जाता है। कंप्रेसर कभी भी फुल कैपेसिटी पर काम नहीं कर सकता अगर ये डिलीवरी वाल्व लीक हो तो। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि अगर डिलीवरी वाल्व लीक हो तो जब कंप्रेसर बंद रहता है उस वक्त कंप्रेसर के जो टैंक केस है यानी बॉडी है उसमें प्रेशर बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि आपने जब कंप्रेसर बंद किया, बंद करने के बाद धीरे धीरे इसके जो बॉडी है उसमें प्रेशर बढ़ने लगता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। चौथा प्रॉब्लम दोस्तों ये आएगा कि अगर डिलीवरी वाल्व लीक है और आपने ध्यान नहीं दिया और सिलेंडर जो है इसी तरह गर्म होता रहा तो जो पिस्टन के अंदर में रिंग्स लगे होते हैं वो रिंग्स घिसने लगते हैं या टूट भी सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है डिलीवरी वाल्व लीक होने के कारण, तो रिंग्स भी खराब हो सकते हैं। दोस्तों, पांचवा पॉइंट ये होगा कि डिलीवरी वाल्व लीक है और आपने ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया, और पिस्टन जो है ये सिलेंडर है इसी तरह गर्म होते रहा तो जो इसमें लगा पिस्टन है वो पिस्टन खराब हो सकता है, घिस सकता है या टूट भी सकता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया और डिलीवरी वाल्व लीक कर रहा है तो पिस्टन भी टूट सकता है, खराब हो सकता है और घिस सकता है, कई सारे प्रॉब्लम्स पिस्टन में हो सकते हैं। छठा पॉइंट है दोस्तों कि डिलीवरी वाल्व लीक है और सिलेंडर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और आपने ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया फिर भी आपने चलाता रहा तो इसके अंदर जो लाइनर लगा हुआ है वो लाइनर भी खराब हो सकता है। अगर ज़्यादा दिन तक चला दिया जाए तो इसके अंदर जो लाइनर सिलेंडर होता है उसमें खरोंचे आ सकती है, वो खराब हो सकता है, घिस सकता है और ये बर्बाद हो सकता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों हो सकती है। आठवां पॉइंट है दोस्तों कि अगर डिलीवरी वाल्व लीक है और ये जो सिलेंडर है इसी तरह गर्म होता रहा, हीट होता रहा, तो
तो हो सकता है इसके अंदर जो लाइनर है और जो पिस्टन है ये आपस में चिपक जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर जो सिलेंडर है इसी तरह गर्म होता रहा तो लाइनर और पिस्टन आपस में चिपक सकता है और ये पूरी तरह जाम हो सकता है, जैसे कि इंजन जो जैसे सीज हो जाता है उस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। अगर ये जाम हो सकता है तो हो सकता है कि इसका जो क्रैंक शाफ्ट है उसको भी तोड़ दे, ये भी हो सकता है दोस्तों। तो आपने अगर गौर नहीं किया और अचानक ये पिस्टन और लाइनर जाम हो जाता है, चिपक जाता है, तो हो सकता है कि क्रैंक शाफ्ट को भी तोड़ दे। तो दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों छोटे बड़े जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें मैंने इस वीडियो में आपको शेयर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं डिलीवरी बार लीक होने के कारण, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन दोस्तों अगर इसे बचना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमेशा सिलेंडर में जितने भी सिलेंडर्स हैं सभी सिलेंडर्स में हाथ लगाकर छू कर चेक करते रहें कि ये नॉर्मल से ज़्यादा हीट तो नहीं हो रहा। अगर नॉर्मल से ज़्यादा हीट होता है तो समझ लीजिए कि इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उसे समय रहते आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।